really amazing. I really liked it. It was so inspirational. I mean, it's like, you know, a very life-changing thing which he did, and I got really inspired. And whatever he did, that is like, you know, something which you watch in the movies only. It's not something which you can think that a person can do, but he did it, so it was really amazing. It was really good. I really love him. It was 5. Thank you. Story strong thi, actually genuine story thi, to usme unhone zyada addition nahi ki, but acting bhi kafi strong thi sare characters ki. नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हॉकी फॉलो नहीं करता. और जिससे उनका स्ट्रगल रहा है पूरा हॉकी करियर, कितना इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लगा? काफ़ी, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने फेस की तो उसमें से हर कोई रिकवर नहीं कर सकता, तो वो एक मिसाल है सब लोगों के लिए. किसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगी? दिलजीत दोसांझ. अच्छी मूवी थी जैसा कि मैंने कहा. सूरमा एक्चुअली ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ हैं, मतलब काफ़ी बायोपिक्स बन सकती हैं जितने अननोन स्टार्स हैं, तो ये उनमें से एक है. ये स्टोरी बेसिकली आपको एक स्टार के स्ट्रगल के बारे में दिखाती है, जब वो पैरालाइज हो जाते हैं एंड ही कैन नॉट प्ले हॉकी एंड देन ही रिकवर्स फ्रॉम इट. सो उनकी जो स्ट्रगल है वो आपको इंस्पायर करती है. तो नज़ीर की एक्टिंग कैसी है, वापसी की एक्टिंग कैसी है इस फिल्म में? बेहतरीन एक्टिंग है, और सिर्फ इन्हीं दोनों की नहीं, जितने अदर स्टार्स हैं, को एक्टर्स हैं जैसे अंगद बेदी, उनकी भी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशनल. आउट ऑफ 5 स्टार्स कितने स्टार्स दोगे? 3.5 स्टार्स. दिलजीत बहुत अच्छा लगा है, उसने बहुत मेहनत करी है इस कैरेक्टर को लेके, बिकॉज वो एक ऐसे बंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है जो हॉकी प्लेयर है बेसिकली. सो वो लग रहा है हॉकी प्लेयर, उसने बहुत मेहनत करी अपनी बॉडी पे, अपनी एक्टिंग पे. एंड या फिल्म रियलिस्टिक. आई एम सॉरी. ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ देखना चाहिए हमारे दर्शकों को, बिकॉज ये रियल लाइफ बेस्ड है, किसी ने ऐसी कहानी नहीं बनाई है. और ऐसे इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, उसके साथ ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, उसके बाद भी वो करके ओवरकम करके जीतता है लाइफ में, तो हमको उसे बहुत सीखना चाहिए. डायरेक्शन वॉज गुड, ऐसा नहीं लगा कि मतलब कहीं वीक पड़ रही स्टोरी क्या है, पूरे टाइम बांध के रखती है स्टोरी. मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट तब जब वो इंटरवल के टाइम पे होता है, जब उसको गोली लगती है. एंड मतलब क्योंकि मुझे स्टोरी पहले से पता थी कि, बट अगर जिसको नहीं पता उन लोग के लिए कि कैसे वो ओवरकम करता है उस सिचुएशन को, सो वो सबसे बेस्ट पार्ट था. 5, नो डाउट. ओके, ऑलराइट. सो मूवी वॉज ग्रेट एंड आई वुड रेट इट 4.5 out of 5. Script was original, I mean it was not something scripted, it was directed by Shahad Ali. So Shahad Ali is a great director, has directed movies like Sathiya, Banti Babli and Okay Janu. So direction was great. Apart from that, Diljit Dosanjh again proved that exactly he is considered to be a A+ category actor. Angad Bedi has done a great role. A movie is about emotion, about love, about comeback, and I think it's truly inspirational. I was like very happy to watch this. What about Tapsi as an actress? Can you come again? Tapsi. Tapsi did a great job. I think it's been like 5 years since she has been working, so obviously she knows what exactly she has to do. But apart from that, I think everyone played a very good role, and overall it was very inspiring. That's. And what about the storyline? Just it seems so realistic. Yeah, I mean obviously it's a real story, so obviously something what you would like to look forward for. And coming today in the morning, it is raining. In spite of that, I think every effort was worth, because. There was not even one single moment in the movie where you will feel like ki chalo kuch aur kar lete hain, because your focus was there in the movie, so very nice. Out of 5 stars? 4.5 for sure. Bahut hi acha film tha, bahut hi inspiring tha. Aaram se puchna ab ha, acha laga, bahut hi inspiring tha aur kafi entertainment tha.
हाँ नहीं हाँ अननोन स्टोरी थी, पता नहीं था ये सब कुछ हुआ करके। हाँ बहुत ही एकदम कमाल एक्टिंग थी। थैंक यू। हाँ एक क्या क्या हाँ 5 out of 4 मूवी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है मूवी की। दीजी तो आपसे एक साथ कैसे लगे? जोड़ी अच्छी है, स्टोरी काफ़ी अच्छी बनाई है और जोड़ी अच्छी लग रही है। दिलजीत की एक्टिंग काफ़ी अच्छी बनाई है। हॉकी को अपग्रेड करने का एक अच्छा वे यूज़ किया है उन लोगों ने। आई वुड गिव आउट ऑफ लाइक 3.5 स्टार एंड स्टोरी के लिए 4 स्टार। इट वॉज ओवरऑल गुड एक्टिंग। संदीप सिंह की स्टोरी आप जानते थे इससे पहले? नहीं, एक्चुअली मूवी एक अच्छा तरीका था दिखाने का। दोस्तों को रेफर करें फिल्म देखने के लिए? ज़रूर, स्पेशली जब इंडिया फुटबॉल और इसके वगैरह ऐसी मूवी क्रिकेट की इतनी बनती है तो हॉकी की अभी बनी है, इट इज़ अ गुड वे ऑफ अपग्रेडिंग हॉकी। कितने साल रहेंगे आउट ऑफ 5? 4। थैंक यू सर। या इट वॉज ऑसम, दिलजीत एज ऑलवेज रॉक्स एंड तापसी पन्नू ऑल्सो ग्रेट जॉब। दिलजीत माई फेवरेट। डायरेक्शन या गुड नाइस जॉब। या इट वॉज अ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी सो नाइस। या हमारे कंट्री में हॉकी को इतना नहीं मानते हैं लेकिन आई थिंक वी शुड लुक आफ्टर दिस नेशनल गेम ऑल्सो। 4.5। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।